तो बहुत कम चांस रहते हैं कि लोग यहाँ से चले जाएँ, यहाँ से पलायन कर दें। तो इस चांस में आपको कहीं पे अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके साथ पुराना घर है तो तब मिल सकता है, वैसे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। तो हे गाइस, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपके एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं आया हूँ चपोटा साइड में, सुबह के 9 बज रहे हैं और काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। अभी शानदार व्यूज दिखाता हूँ और आप लोगों को काम समझाता हूँ कि किस प्रकार यहाँ पर काम हो रहा है और क्या काम आज यहाँ पर हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, और भी बहुत कुछ दिन भर होने वाला है तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों काम दिखाता हूँ आपको, व्यू दिखाता हूँ सुबह के शानदार नज़ारे पहाड़ों से दिखाता हूँ, और आपका अच्छा खासा मूड बनाता हूँ, फ्रेश मूड आपका बनाता हूँ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चकोटा साइड पे और सुबह के नज़ारे काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं, बढ़िया शांति छाई हुई है, मस्त धूप खिली हुई है, देखिए व्यू बढ़िया आ रहा है। काम शुरू हो चुका है यहाँ पे और बैकग्राउंड में जो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं यहाँ पे, क्या बढ़िया लगता है, पहाड़ों की शांति काफ़ी अच्छी लगती है। ये सामने हमारी रिटेनिंग वॉल जिसकी यहाँ पे चिनाई हो रही है, आज जो यहाँ पे काम हो रहा है, आज यहाँ पे सामने में देखिए पत्थर स्टॉक किया जा रहा है रोड से। आज काफ़ी मेहनत का कार्य है क्योंकि रोड से यहाँ पे पत्थर लाना है, रोड है नीचे, ऐसा तो है नहीं कि रोड से लगी हुई प्रॉपर्टी भी है तो, लेकिन रोड नीचे है, कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो लगभग ऐसे घूम के ऊपर चढ़ाई में चढ़नी पड़ रही है, तो पत्थर लाया जा रहा है सर पे, घोड़े भी आ नहीं सकते हैं, आदमियों द्वारा लाया जा रहा है, तो हार्ड काम हो भी रहा है आज। और ये रही हमारे सामने रिटेनिंग वॉल जिसकी जो कल चिनाई हुई थी, इतनी कंप्लीट हो चुकी है। एक पार्ट ये है, ये भी लगभग हमने इतना कंप्लीट करना है, तो पहले ये वाला पार्ट बना लेते हैं ताकि बराबर दोनों पार्ट बन जाए, और जो ये खिसकने वाला पूरा है, ये हमारा जो हमारा भाई है कि खिसकने का इसका, वो बंद हो जाए। तो आज भरपूर पर यहाँ पर पत्थर स्टॉक कर लेंगे हम, तो कल से फिर चिनाई होगी। और यहाँ पर फिर अब होल रखे जाएंगे जो DPC करी हुई है, जैसे यहाँ पर देखिए इस वाली दीवार में 3 यहाँ पर होल रखे हुए हैं पाइप के, ये ज़रूरी होते हैं ताकि दीवार के अंदर जो भी गैस बन रही है, बारिशों में पानी भर रहा है, तो इन पाइपों द्वारा निकल जाए और दीवार हमारी सेफ रहे। तो इस तरीके से आप भी पहाड़ों पर अपना रिटेनिंग वॉल बनाएं ताकि आपकी रिटेनिंग वॉल काफ़ी मजबूत रहे। ये बगल वाली रिटेनिंग वॉल देखिए, हम ही नहीं बनाई, इसको 2 साल हो चुका है, अभी भी वैसी ही है ज्यों की त्यों। तो काम अगर अच्छी तरीके से करा जाए दोस्तों तो कार्य अच्छा भी होता है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है पहाड़ों में, लेकिन कार्य अच्छा ही करना चाहिए ताकि एक बार करो, अच्छा करो और हमेशा के लिए वो आपका मजबूत बना रहे। नज़ारे भी काफ़ी शानदार आ रहे हैं, अब देखते हैं दिन भर हम यहाँ पर कितना पत्थर यहाँ पर ढोल पाते हैं वर्कर, क्योंकि टफ कार्य है आज, मेहनत का कार्य है, और पहाड़ों में लोग तो हार्ड वर्कर होते ही हैं, मेहनत काफ़ी करते हैं पहाड़ों में लोग। रोड से पत्थर लाना पड़ रहा है, वही बोझा उठा के सिर पर चलना और दिन भर यहाँ पर कार्य करना, तो काफ़ी टफ कार्य रहता है, और पहाड़ी आदमी तो कर ही लेता है, थोड़ा मेहनत ज़रूर लगती है यहाँ पहाड़ों में। दोस्तों अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मैं फिर से यहाँ पर चकोटा साइड में आ चुका हूँ, लंच कर लिया है, लंच करने के लिए घर गया था, और जो यहाँ पर काम हो रहा है आज, हार्ड काम हो रहा है, सुबह से मेहनत वाला काम हो रहा है, आपने देखा, और काम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में शेयर करिएगा, क्योंकि रोड से पत्थर लाना पड़ रहा है ताकि कल से रिटेनिंग वॉल की चिनाई फिर से शुरू हो सके। तो अभी यहाँ पर क्या काम हो रहा है, कितना पत्थर रोड से आ चुका है, तो वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ, और साथ में आपको नज़ारे दिखाता हूँ दोपहर में किस प्रकार के नज़ारे आ रहे हैं। अभी धूप जा चुकी है, हल्के हल्के बादल आ चुके हैं आसमान में, तो एक बार नज़ारे भी दिखाएंगे और काम दिखाते हैं हमारा किस प्रकार यहाँ पर आज काम हो रहा है। दोस्तों नज़ारे कैसे लगे दोपहर में चकोटा साइड से, आप हमें कमेंट में शेयर करिएगा। और एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करना चाह रहा हूँ, हमारे पास बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से क्वेरी आती हैं कि प्रॉपर्टी के रिलेटिव, और जैसे कि कोई यहाँ पर पुराने घर रिलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं,
जहाँ तक आज में प्रॉपर्टी का सवाल है दोस्तों मुक्तेश्वर में, क्योंकि ऑन रोड प्रॉपर्टी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, हर कोई लगभग रोड पर प्रॉपर्टी चाहता है, और रोड में प्रॉपर्टी मिलना आज की डेट में काफ़ी टफ हो रहा है मुक्तेश्वर में, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पर पहले ही बिक चुकी हैं, उन्हीं पर आजकल खेल चलता है, रीसेल प्रॉपर्टी ये वो सब उन्हीं पर खेल चलते रहता है। और पहले लोगों ने जो यहाँ पर प्रॉपर्टी ले ली, नज़दीकी प्रॉपर्टी ले ली लोगों ने और अच्छी प्रॉपर्टियाँ ले ली, उस समय सस्ती भी ले ली, क्योंकि उस समय इतना ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पर। आज से 4 साल या 5 साल पहले ही देखो तो काफ़ी अलग था, तो 5 साल में बहुत कुछ यहाँ पर डेवलप हो चुका है, बहुत नाम हो चुका है अभी मुक्तेश्वर का, लाखों लोग यहाँ पर साल भर में आते हैं और हर कोई यहाँ पर बसना चाहता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो इस चक्कर में भी यहाँ पर प्रॉपर्टी का सीन बहुत अलग हो चुका है। अगर आज की डेट में देखा जाए दोस्तों, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो आप चाहते हैं कि सस्ती प्रॉपर्टी हमें यहाँ मुक्तेश्वर में मिल जाए, तो काफ़ी मुश्किल रहता है कि सस्ती प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिल जाए। अगर जहाँ तक यहाँ हाल ये है, अगर रोड पे आपकी प्रॉपर्टी है, ऑन रोड प्रॉपर्टी है, डामर रोड है, तो मिनिमम 10-12 लाख कहीं नहीं गई प्रॉपर्टी के, मिनिमम इतनी रेटों में यहाँ पर बिक जा रही हैं प्रॉपर्टियाँ। और मेन रोड होगी, हिमालयन व्यू हो गया, इनकी तो बात ही अलग है, कहीं बहुत कम चांस रहते हैं आपको 3-4 लाख 5-6 लाख में प्रॉपर्टी मिल जाए, तो बहुत कम चांस रहते हैं। तो इसलिए यहाँ प्रॉपर्टियों का सीन बहुत अलग हो चुका है, क्योंकि प्रॉपर्टियाँ पहले ही बिक चुकी हैं, प्रॉपर्टी वही घिसी पिटी प्रॉपर्टियाँ हैं, उन्हीं में रीसेल का खेल चलते रहता है, यही सब यहाँ पर होता है। और जहाँ तक यहाँ पर घरों की बात है, क्योंकि आप जानते हैं मुक्तेश्वर, अगर आप आते हैं यहाँ पर रेगुलरली, आप यहाँ पर रहते हैं, तो आपको पता होगा, और आपकी जानकारी के लिए बता भी दूँ, क्योंकि लोग यहाँ से पलायन नहीं करते हैं, जैसे और जगह आपने देखा होगा पहाड़ों में, आपने सुना भी होगा कि लोग पलायन कर दिए हैं, यहाँ से चले गए हैं, तो वो सीन यहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर लोग पहले से ही टूरिस्ट आज से नहीं था पहले, 4-5 साल पहले तो लोग यहाँ पर ऐसे ही रहते थे, अपनी खेती बाड़ी करी, लोगों पर मस्त यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, यहाँ पर अच्छे खासे फल उत्पादन लोग करते हैं, दुग्ध डेयरी हैं तो दूध उत्पादन करते हैं, तो इन्हीं से लोगों का गुजर बसर चलते रहता है। और टूरिस्ट जब से यहाँ पे पॉपुलर हो गया है, टूरिस्ट आ रहा है, तो टूरिस्ट से भी लोग लोकल में यहाँ पे फ़ायदा है, लोगों को रोज़गार मिलते हैं बहुत सारे, तो बहुत कम चांस रहते हैं कि लोग यहाँ से चले जाएँ, यहाँ से पलायन कर दें, तो इस चांस में आपको कहीं पर अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके साथ पुराना घर है तो तब मिल सकता है, वैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, तो काफ़ी कम चांस हैं दोस्तों यहाँ पर लोगों के घर मिल पाने पुराने, क्योंकि लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से पलायन नहीं करते हैं। तो आज तक हमने यही देखा, लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसा कोई चांस नहीं है यहाँ पर पुराने घर आपको आसानी से मिल जाएँ, तो यही केस है, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और जहाँ तक है हम लोगों की प्रॉपर्टी की बात, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इतना हम काम प्रॉपर्टी का करते नहीं हैं दोस्तों, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देख ली, बहुत सा जो ये मंच है प्रॉपर्टी का, एक जो ये खेल चला हुआ है, तो वो सारा कुछ देख लिया, तो प्रॉपर्टी उस लायक प्रॉपर्टी है नहीं, लोगों के मुँह मांगे रेट होते हैं, तो अलग सिस्टम है, जो हमारे हाथ में क्लियर चीज़ें रहती हैं तो उन्हीं पर हम काम करते हैं, बाकी हमारा कंस्ट्रक्शन है। और मैं पहाड़ों से आपके लिए डेली ब्लॉग, पहाड़ों का मौसम, पहाड़ों की मैं किस प्रकार हमारा जीवन होता है, वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद है इस चैनल की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होंगी और आप इसी तरह सपोर्ट करेंगे, तो आई होप मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी थोड़ा बहुत आपके समझ में ज़रूर आई होगी। व्यू भी काफ़ी शानदार आ रहे हैं अभी चौकुटा साइड से, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि काम कितना यहाँ पर हो गया है, कितना पत्थर यहाँ पर वर्करों ने ऊपर रोड से ला गए हैं, क्योंकि आज टफ काम था, मेहनत वाला काम था, तो आपको दिखाता हूँ एक बारी। तो फ्रेंड कार्य चला हुआ है, मैं अभी फिर से साइट पे आ चुका हूँ देखिए, और लगभग इतना पत्थर देखिए यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, इतना पत्थर यहाँ पर रोड से उठा दिया है वर्करों ने, जितना अभी आपको ये ढेर दिख रहा है, बड़ा फील हो रहा होगा आपको भी, उतना आसान भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क है ये, काफ़ी मेहनत वाला काम है, रोड से सिर में बोझा डाल के एकदम चढ़ाई चढ़ के यहाँ पर पहुँचना और यहाँ पर स्टॉक करना, ताकि कल रिटेनिंग वॉल चिनाई हो सके, तो मुश्किल काम है, मुश्किल तो नहीं बोल सकते लेकिन हार्ड काम ज़रूर है, काफ़ी हार्ड मेहनत, काफ़ी हार्ड वर्क। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और पत्थर का ढुलान यहाँ पर जारी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, व्यू देखिए काफ़ी बढ़िया अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा है शाम के समय में। जहाँ पर आप ईंटें देख रहे हैं वहाँ पर हमारा एक पत्थर का पूरा गाड़ी पत्थर था, वहाँ से स्टॉक कर लिया है और अब सामने से करा जा रहा है। और जो पत्थर स्टॉक हो गया वो देखिए, तो भरपूर पत्थर यहाँ पर रोड से इकट्ठा कर दिया है यहाँ पे, और काफ़ी मेहनत वाला काम आज यहाँ पे किया गया है।
दोस्तों शाम का वक्त है, 5:30 बजे का अभी समय हो रहा है। मैं आ चुका हूँ कसैली मार्केट से, काम से हमारी हो चुकी है छुट्टी, तो कसैली मार्केट में भी नहीं रुका तो सीधे घर की तरफ आ चुका हूँ। एक बार आपको नज़ारे दिखाते हैं फिर घर पहुँच जाते हैं, घर चल के आपसे बातें करते हैं। तो फाइनली दोस्तों घर पे पहुंच चुका हूं, अभी जा रहा हूं खेतों की तरफ पे, क्योंकि मम्मी गई हुई है खेतों पे और गाय के लिए कुछ बना रही है शायद, तो उसको लेके आते हैं। मम्मी की हेल्प हो जाएगी क्योंकि इतना तो कर ही सकते हैं, घर का काम है और मम्मी भी थोड़ी एजेड भी हो गई है तो कब तक काम करती है अभी। तो मैं जा रहा हूं अभी खेतों की तरफ पे और आपको भी ले चलता हूं और आपको घुमा के लाता हूं खेतों पे। तो नज़ारे काफ़ी शानदार आ रहे हैं, धूप चली गई है और व्यू दिखाऊंगा एक बार शाम के समय का, अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा है अभी। और जो अभी आप नीचे पीछे खेत देख रहे हैं आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पर गई हुई है मम्मी, तो चलते हैं उसके पास। तो फाइनली फ्रेंड खेतों पे पहुँच चुका हूँ, ये देखिए सारे आड़ू के पेड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये देखिए बड़ा वाला पेड़, ये भी आड़ू का ही है और इनमें वो रखी है मटर, तो मटर होएगी आप गर्मियों में। तो शानदार नज़ारे, अभी खेतों की तैयारी हो रही है, व्यू देखिए शाम के समय में। इतना तो एक खेत ही टूट गया बारिशों में जिसकी रिपेयरिंग चल रही है अभी, और मम्मी है यहाँ पे जो बना रही है गाय के लिए घास। तो आलू लगाने का सीजन आ रहा है तो खेत खाली करे जा रहे हैं अभी, और मम्मी यहाँ पे बना रही है घास। तो दोस्तों घास का गठरा जो है मैंने अपने सर पे रख दिया है, ये देखिए अब पहुंचाते हैं घास घर पे। तो काफ़ी नीचे से आ चुका हूं मैं, जहां आपको पीछे देखिए मेरे बैक साइड आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, वहां से आ चुका हूं। तो घास ये ले ली है मैंने, तो इसको पहुंचाते हैं घर पे। मम्मी लगी है थोड़ी यहाँ पर लकड़ियाँ ला रही है घर के लिए, तो आ चुके हैं खेतों से, तो चलते हैं घर पे। तो दोस्तों फाइनली पहाड़ों पर हो चुकी है मस्त वाली शाम, सभी जगह चारों जगह अंधेरा अंधेरा। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सपोर्ट जरूर करिएगा।